हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। करंट अफेयर्स ऑफ 6 सितंबर की बात करने वाले हैं। जैसा कि पहला पॉइंट है, पी नियान वन द 48th एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट। ठीक है, पी नियान ने क्या जीता है? 48th एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है। ये ग्रैंड मास्टर हैं, ठीक है, इंडिया के हैं। और अगला है, वेटरन स्पिनर हरभजन सिंह हैज़ पुल्ड आउट ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग 2020। IPL 2020 से हरभजन सिंह ने खुद को बाहर कर लिया है। ठीक है, तो ये कौन सी टीम से बिलोंग करते थे? चेन्नई से। ओके, सुरेश रैना भी बाहर हो गया और हरभजन सिंह भी। अगला है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन रिलीजेज द स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग। 2019 की रैंकिंग आई है, जिसमें नंबर वन पे है आंध्र प्रदेश, सेकंड पे है उत्तर प्रदेश और थर्ड पे है तेलंगाना। ठीक है, ये तीन याद होने चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट वाला होता है कि फर्स्ट पे कौन है, तो वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अगला है, उड़ीसा टू स्टार्ट रिवर क्रूजेज टू बूस्ट टूरिज़्म। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेट जो है क्रूजेज को स्टार्ट कर रहा है, तो वो है क्या, उड़ीसा। उसके बाद है, दिल्ली पेयर विद सिक्किम अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम, दिल्ली एंड सिक्किम, याद होना चाहिए दोनों। अगला है, केरला टू गेट इट्स फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी टू बी इनॉग्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर, यानी ऑन गांधी जयंती। तो केरला अपना पहला ओपन यूनिवर्सिटी इनॉग्रेट कर रहा है। ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है? ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब होता है कि हमें रेगुलरली क्लास नहीं जाना पड़ता, ऑनलाइन टीचिंग होती है। ठीक है, एंड केरला फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी नेम्ड आफ्टर सोशल रिफॉर्मर श्री नारायण गुरु। ठीक है, इनके नाम पे रखा जा रहा है। अगला है, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड लॉन्चेस किफ़ायती एलईडी बल्ब योजना। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि किफ़ायती एलईडी बल्ब योजना कौन से स्टेट लॉन्च किया है, तो कौन है? पंजाब। अगला है, पशु संजीवनी एनिमल एम्बुलेंस सर्विसेज लॉन्च इन मैसूर। तो पूछा जा सकता है पशु संजीवनी एनिमल एम्बुलेंस कौन लॉन्च किया है, तो स्टेट का पता होना चाहिए कौन सा स्टेट है, कौन सा सिटी है। ठीक है, सिटी कौन सा है? कर्नाटक है। और स्टेट कौन सा है? कर्नाटक है। और सिटी कौन सा है? मैसूर है। ठीक है, अगला, इंडिया थर्ड कंट्री टू क्रॉस 40 लाख कोविड केसेस। ठीक है, इंडिया थर्ड कंट्री बन चुका है, 40 लाख केसेस हो चुके हैं कोविड-19 के। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे US है। अगला है, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटीज़ ऑब्जर्व एनुअली ऑन 5 सितंबर। 5 सितंबर को कौन सा डे ऑब्जर्व किया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी एंड टीचर्स डे। ओके, अगला है, स्पेस एक्स सक्सेसफुली लॉन्चेज इट्स फर्स्ट पोलर ऑर्बिट मिशन फ्रॉम फ्लोरिडा। ठीक है, तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। फ्लोरिडा कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला है, बेनेडिक्ट 16 ऑफिशियली बिकेम द ओल्ड पोप इन हिस्ट्री एट द एज ऑफ 93 एंड नियरली 5 मंथ्स, एंड ही ब्रेक द प्रीवियस रिकॉर्ड हेल्ड बाय पोप लियो 13, हु लिव्ड 93 ईयर 4 मंथ एंड 3 डेज। ये कौन थे? पादरी थे। और कहाँ के थे? वेटिकन सिटी, यानी इटली में वेटिकन सिटी के क्या थे? पादरी थे। तो और ये इन्होंने सबसे ओल्डेस्ट पोप इन हिस्ट्री, जो कि 93 ईयर्स के हैं। अगले, टाइम्स हायर एजुकेशन हैज़ रिलीज द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड टॉप द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। तो फिर से ऑक्सफोर्ड ने टॉप किया है वर्ल्ड की रैंकिंग में, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड टॉप पे है। अगला है, द न्यू बुक टाइटल लेट अस ड्रीम ऑथर्ड बाय पोप फ्रांसिस। तो बुक का नाम भी पता होना चाहिए और किसने लिखा है वो भी। एग्जाम में या तो बुक का नाम पूछेगा या तो राइटर का पूछेगा। अगला है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे डेवलप्स हेल्दी एयर ए हर्बल बेस्ड इम्यूनिटी बूस्टिंग रूम फ्रेशनर। तो रूम फ्रेशनर को लॉन्च किया, जो कि हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा। किसने लॉन्च किया है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, जो कि पुणे में है। अगला है, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू रिलीज द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट। ठीक है, अगला है, 5th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड वर्चुअली, इट वॉज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द रशियन फेडरेशन। श्री प्रहलाद सिंह पटेल अटेंड द 5th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग। ठीक है, प्रहलाद सिंह क्या है? कल्चर मिनिस्टर भी हैं। और कौन है? और क्या है? टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, दोनों मिनिस्टर हैं। कौन? प्रहलाद सिंह पटेल। अगला है, विपिन सोंधी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सियाम एंड
केनिची अयुकावा हैज बीन अपॉइंटेड एज सियाम्स न्यू प्रेसिडेंट। ठीक है, वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। और ये कौन है? प्रेसिडेंट हैं। और सियाम का मतलब क्या हुआ? सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर। प्रेसिडेंट बनाए गए हैं विपिन सोदी और वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं विपिन सोदी और प्रेसिडेंट बनाए गए हैं कौन? केनिची अयुकावा। अगला है टाटा मोटर्स एंड हंडई मोटर्स इंडिया टू सप्लाई 250 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। ठीक, अगला, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सस्पेंड द क्वेश्चन आवर फॉर मानसून सेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो मानसून सेशन होने वाला है उसमें क्या होगा, क्वेश्चन आवर नहीं होगा। क्वेश्चन आवर क्या होता है? क्वेश्चन आवर होता है कि फर्स्ट आवर ऑफ सिटिंग सेशन ऑफ लोकसभा। एंड इसमें क्या होता है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्वेश्चन रेज करेगा अबाउट एनी एस्पेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी, एंड जो भी कंसर्न मिनिस्टर होगा उसको उसका आंसर करना होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन ओरल या रिटन, मतलब ओरल या रिटन उसको क्या करना पड़ेगा, रिप्लाई करना होगा। ये डिपेंड करता है कि उसका टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्या है? JJEPC लॉन्चेस फर्स्ट वर्चुअल बायर सेलर मीट। इसका फुल फॉर्म क्या है? जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठीक है, अगला, स्नैपडील लॉन्चेस प्राइड ऑफ इंडिया स्टोर। एंड अगला है, एस गोपाल कुमार हैज़ बीन वन बाबूराव मतरे गोल्ड मेडल फॉर 2020। ये किसमें दिया जाता है? ये दिया जाता है आर्किटेक्ट में। और कौन इसको अवार्ड देता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट। तो बाबूराव मतरे कौन थे? ये थे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।